2024 में बड़ी जीत के लिए लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और आज भी उन्होंने तीन बड़ी रैली की। कर्नाटक के सोलापुर, सतारा और महाराष्ट्र के पुणे में जनता से बीजेपी को जिताने के लिए अपील करते नजर आए। वहीं कांग्रेस पर भी जबरदस्त हमला उन्होंने बोला। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के सतारा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए देश में धर्म आधारित आरक्षण की योजना बना रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का ये प्रस्ताव अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए है, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी समुदाय अब बीजेपी के साथ है। इसके चलते अब देश में एससी एसटी के अधिकार भी सुरक्षित नहीं है। एक और बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में तलवारा समुदाय को एसटी का दर्जा दिया था। कर्नाटक में 3 लाख से ज्यादा परिवारों को हक्कू पत्र दिए गए, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी एसटी ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है।